प्रश्न आपके 6.8 में एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले वो बता रहा हूं, जैसे प्रश्न दो है, प्रश्न दो है cos 45 cos 60 minus sin 45 sin 60। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधे साढ़े से मान लीजिए। एक नंबर के एक से लेकर दस तक जो प्रश्न पूछ जाते हैं उनमें एक क्वेश्चन पूछ जाते। अब पहले लिख दिया मैंने cos 45 cos 60 sin 45 sin 60। cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2 माइनस sin 45 का मान 1/√2, sin 60 का मान √3/2। अब इन दोनों को गुणा कर लो, आ जाएगा 1/√2 माइनस इन दोनों को गुणा करो √3/2। दोनों के एलसीएम ले लो, रूट में दोनों के एलसीएम ले लो, आ जाएगा 2√2 का 2√2 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक को एक से गुणा किया है, आगे चीज माइनस 2√2 का 2√2 में भाग दिया, एक बार गया, एक को √3 से गुणा किया √3। यह आंसर एक नंबर का क्वेश्चन है जिसमें सीधा आपको cos 45 cos 60 sin 45 sin 60 का मान। अब इसके बाद हम क्वेश्चन ले रहे हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, 5 cos²(7+4sin²(30+10²)45। बटाओ लिखा है sin²(30+cos²(45 cos²(45। इसका भी हमें क्या करना है, मान लिया प्रश्न 5 है, 5 cos²(60+4sin²(30+10²)45 / sin²(30+cos²(45। इसका मान क्या करना है, तो मान क्या करने थे 5 cos²(60+4sin²(30+10²)45। बटा में लिखेंगे sin²(30+cos²(45। अब सीधे मान रख देते सारे से 5 cos²(60 cos 60 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sin²(30 sin 30 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 45 का मान होता है 1 का बटाओ के नीचे sin²(30 sin²(30 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos²(45 cos 45 का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर। अब 5 × 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस 4 × 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस a का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/2। 5 को गुणा करेंगे 1/4 से आएगा 5/4 प्लस 4 से 4 क्या बचेगा, कैंसिल क्या बचा यहां पर प्लस आगे बटा आ गया 1/4 + 1/2। अब 5/4 प्लस पहले सीधे इनको जोड़ लेते, एक और एक को जोड़ेंगे 2 हो जाएंगे, ये बटा में नहीं लिखा तो क्या लिख देंगे 1। अब 1/4 + 1/4 + 1/2
अब पहले 5/4 और 2/1 का हम लोग एलसीएम लेंगे, 4 है इस 4 का 4 में भाग देंगे, 1 को 5 से गुणा करने पर आ जाएगा 5 प्लस a का भाग 4 में देंगे, 4 बार जाएंगे 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 बार। अब इस 4 और 2 का एलसीएम लेंगे 4 है, 4 का भाग 4 में 1 बार जाएंगे, a को 1 से गुणा करेंगे 1 प्लस 2 का भाग 4 2 बार जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे। अब ऊपर तो 5 प्लस 8 हो गया 13, 13/4 ये आ गया 13/4, बटाओ के नीचे 1 और 2 हो गए 3, ये आ गया 3/4। यदि भी अंश बटा हर में और नीचे भिन्न केस में अंश बटा हर में और यदि दोनों भिन्नों के हर समान है तो दोनों भिन्नों के हरों को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल। दूसरा तरीका अंश बटा हर में, ये भी भिन्न अंश बटा हर में तो नीचे वाले भिन्न को क्या कर दो, उल्टी कर दो। अभी तो ये बाद में उल्टी करेंगे किसमें चल जाएगी, 13/4 × 4/4 का हो जाएगा कैंसिल और आंसर आ गया 13/3। ये क्या है आंसर 13/3। तो प्रश्न संख्या 5 है, इसमें सीधे cos 60 sin 30 tan 45 sin 30 और cos 45 के आपको मान रखना और उनको गुणा करके हल करना, आंसर क्या जाएगा 13/3। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 है 4/cot²30, 4/cot²30 प्लस 1/sin²30 माइनस cos²45, इसका मान हमें ज्ञात है। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए 4/cot²30 प्लस 1/sin²30 माइनस cos²45, इसका मान ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले इसको आप इस फर्स्ट उत्तर के रूप में cot²30 लिखेंगे प्लस 1/sin²30 माइनस cos²45। 4/cot30 का, cot30 का मान होता है √3, cot30 का मान होता है √3। अब आपको याद नहीं तो अभी आप लिख सकते हैं कैसे लिखो, tan30 का मान आपको निकालना पड़ेगा, tan30 का मान होता है sin30/cos30, sin30 का मान 1/2, cos30 का मान √3/2, तो साइन 10 का मान हो गया 1/√3, तो कोट 30 का मान हो जाएगा √3, तो हो गया 4/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1/sin², साइन 30 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर माइनस cos 45, cos 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब 4/√3 का यदि स्क्वायर करोगे √3 का स्क्वायर होगा 3 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/2, 4/3 प्लस 1, ये भिन्न है 1/4 बटा इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4/1 माइनस 1/2, 4/3 प्लस गुणा होगा तो हो जाएगा 4, 4/1 माइनस 1/2। अब इन सभी के हमें क्या लेंगे एलसीएम, इनके हम एलसीएम लेंगे लगभग 3, 1, 2, इनका एलसीएम हो जाएगा 6, 3 का भाग 6 में लेंगे 2 बार जाएगा, 2 को 4 से गुणा करो 4 × 8, 6 में प्लस का 1 का भाग 6 में देंगे 6 को 4 से गुणा करेंगे 4/3 प्लस 4/1 माइनस 1/2,
तीन एक और दो, इन तीनों का एलसीएम लेंगे छह। तीन का भाग छह में देंगे दो बार जाएगा, दो को चार से गुणा करेंगे आप। आगे प्लस का चिन्ह, एक का भाग छह में जाएगा, छह बार छह को चार से गुणा करेंगे चौबीस, चिन्ह माइनस। दो का भाग छह में देंगे, तीन बार जाएगा, तीन को एक से गुणा करेंगे। अब आठ प्लस चौबीस बत्तीस, आठ प्लस चौबीस हो गया बत्तीस, माइनस का तीन बट्टा छ, बत्तीस माइनस तीन आता है उन्तीस बट्टा छ, यही मान लिया था, ये मान लिया उन्तीस बट्टा छ। प्रश्न है चार बटा कोट स्क्वायर तीस प्लस एक बटा साइन स्क्वायर तीस माइनस कोस स्क्वायर पैंतालीस, करना क्या? कोट तीस का मान रख दो, साइन तीस का मान रख दो, कॉस पैंतालीस का मान रख दो और सभी के स्क्वायर कर दो, उनके लघुतम लेके उनको जोड़ के घटा के हल कर दो, आंसर क्या जाएगा? उन्तीस बटा छ। अब आगे हम ले रहे प्रश्न संख्या ग्यारह, जिसमें तीन ऑप्शन दिए, प्रश्न संख्या ग्यारह में तीन ऑप्शन और तीनों ऑप्शनों के अंदर भी एक्स का मान पूछा, तो मैं आपको तीसरा ऑप्शन बताऊं, तीनों ऑप्शनों में आपको एक्स का मान पूछा होगा, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, प्रश्न क्या है एक्स का मान ज्ञात कीजिए, उसका तीसरा ऑप्शन हम ले रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है रूट थ्री टेन टू एक्स, रूट थ्री टेन टू एक्स बराबर साइन तीस प्लस साइन पैंतालीस, साइन पैतालीस कॉस पैतालीस प्लस टू साइन, ये प्रश्न दिया हो और इसमें आपको ज्ञात क्या करना है, इस एक्स का मान ज्ञात करना, इस एक्स का मान ज्ञात करना क्या, रूट थ्री टेन टू एक्स बराबर इसका मान साइन तीस, पहले प्रश्न उत्तर में आप सीधा पूरा रख, साइन तीस प्लस साइन पैतालीस कॉस पैतालीस प्लस टू साइन नब्बे। अब यहां से रूट थ्री टेन टू एक्स, टेन तीस साइन तीस का मान होता है एक बटा प्लस साइन पैतालीस और कॉस पैतालीस दोनों के मान होते हैं वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन रूट टू इंटू वन अपॉन रूट प्लस टू इंटू साइन नब्बे, साइन नाइनटी का मान होता है एक, रूट थ्री टेन टू एक्स का एक बटा दो प्लस एक और एक को गुणा करने पर आ जाएगा एक, रूट टू और रूट टू को गुणा करेंगे क्या जाएगा दो, प्लस दो को एक से गुणा करेंगे क्या जाएगा दो, रूट थ्री टेन टू एक्स एक बटा दो आधा, एक बटा दो आधा आधा को जोड़ने पर क्या हो जाएगा एक, तो एक प्लस एक और दो को जोड़ेंगे तीन हो जाएगा, रूट तीन टेन टू एक्स पर एक और दो को जोड़ने पर क्या होगा तीन। अब इधर रूट तीन किसमें गुणा में, बाएं पक्ष में रूट तीन गुणा में, बाएं पक्ष में किसमें जाएगा बारह, तो यहां से टेन टू एक्स पर तीन के अंदर रूट तीन का क्या कर देंगे बारह। अब सीधे यदि आप देखते हो आपके समझ में नहीं आ रहा कि तीन के अंदर हम रूट तीन का भाग कैसे देते हैं, तो यहां से लिख देंगे टेन टू एक्स, तीन को हम दो भागों में लिख सकते, तीन को हम लिख सकते हैं रूट तीन इंटू रूट तीन, क्योंकि रूट तीन और रूट तीन को गुणा करने पर वापस क्या हो जाता है तीन हो जाता है, बटा में कैंसिल, इस रूट तीन से रूट तीन क्या हो कैंसिल हो गया। अब यहां पर आगे क्या टेन टू एक्स बराबर रूट तीन, अब आपको देखना है कैसे, आपको इसमें देखना है कि जो रूट तीन है रूट तीन का मान टेन में कितने डिग्री का मान होता है, तो टेन तीस का मान तो वन अपॉन रूट थ्री होता है, तो ये मान किसका होगा टेन साठ डिग्री का मान, रूट तीन है ये टेन में कितने डिग्री का मान होता है टेन साठ डिग्री का मान, तो यहां से टेन टू एक्स बराबर रूट तीन है, इसका मान टेन के अंदर टेन साठ का मान होता है, तो टेन साठ दोनों तरफ टेन आ रहा है कैंसिल हो जाएगा, टू एक्स बराबर हो जाएगा साठ, दो एक्स के गुणा में उधर जाएगा तो भाग, एक्स बराबर साठ बटा, एक्स बराबर साठ बटा साठ में दो का भाग देंगे तीस,
तो x बराबर क्या हो जाएगा 30, और हमें क्या से क्या करना था, ये x का मान ही ऊंचा होता है। प्रश्न था रूट थ्री टेन टू एक्स बराबर साइन 30 प्लस साइन 45 कोस 45 प्लस 2 साइन 90। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन 30 का मान हम देंगे 1 बटा 2 प्लस साइन 45 का मान 1 अपॉन रूट 2 इंटू साइन कोस 45 का मान 1 अपॉन रूट 2 प्लस 2 इंटू साइन 90 का मान हो जाएगा 1। तो 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2, 1 और 1 को गुणा करने पर 1 आ जाएगा, रूट 2 को रूट 2 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, और 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। अब 1 बटा 2 और 1 बटा 2 आधा और आधा को जोड़ते हैं तो 1 हो जाता है, 1 प्लस 2 होता है 3। अब ये रूट 3 इधर गुणा में उधर चाहिए तो भाग, अब सीधा भाग दे रहे हैं कि रूट 3 में यदि रूट 3 का भाग देते रूट 3 बचता है, वो समझ में नहीं आ रहा, तो इस 3 को हम दो भागों में लिख सकते हैं, रूट 3 प्लस रूट तीन इंटू रूट तीन प्लस में आएगा इंटू में रूट तीन इंटू रूट तीन अपॉन रूट तीन, इस रूट तीन से रूट तीन क्या हो जाएगा कैंसिल, तो टेन टू एक्स बार बचेगा रूट तीन। अब हमें देखना क्या है, रूट तीन का मान टेन में कितने डिग्री का होता है, तो रूट तीन है वो टेन 60 का मान, टेन 60 का मान होता है, तो यहाँ से टू एक्स बराबर क्या हो जाएगा 60 में एक्स बराबर 2 का भाग देंगे 60 में 2 का भाग देंगे क्या जाएगा 30, एक्स बराबर क्या जाएगा आगे जो प्रश्न है वो सिद्ध करने वाले प्रश्न है। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 सिद्ध करने वाला प्रश्न है, 4 sin 30 साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 कोस 10 45 प्लस बराबर, ये तो बाएं पक्ष है इसके बराबर हमें सिद्ध करो, बराबर 2 sin स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90। ये सिद्ध करने वाला प्रश्न है, इधर एलएचएस दे रखा बाएं पक्ष और इधर आरएचएस दे रखा दाएं पक्ष। तो सबसे पहले प्रश्न में एक बार और देखते हैं, प्रश्न है 4 sin 30 sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 tan 45 बराबर 2 sec स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90। अब हम पहले लेते हैं एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड बाएं पक्ष, बाएं पक्ष से 4 sin 30 sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 tan 45 ये एलएचएस। अब इसका मान रखें sin 30 का मान होता है 1 अपॉन इनटू sin स्क्वायर 60, तो sin 60 का मान होता है रूट 3 बटा का होल स्क्वायर प्लस 3 cos 60, cos 60 का मान होता है 1 बटा इनटू tan 45, tan 45 का मान होता है 1। आगे से 4 1 बटा 2 इसका होल स्क्वायर करना है, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 3 को गुणा करेंगे ऊपर 3 घटाओ में आ गया 2। अब यहां से इस 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर 3 घटाओ 3 बटा प्लस ये 3 बटा 2, अब दोनों के लघुगणक ले लेंगे क्या जाएंगे 2, 2 का भाग 2 में देंगे 1, 1 को 3 से गुणा करेंगे 2 का भाग 1, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 और 3 कितने हो गए 6 बटा 2 बराबर क्या है। दूसरा यदि दो भिन्न है और दोनों भिन्नों के अंश समान है, दोनों भिन्नों के हर क्या है समान, दोनों भिन्नों के अंश भी क्या है समान है, दोनों भिन्नों के हर भी क्या समान है, और दोनों भिन्नों को हमें क्या करना है जोड़ना है, तो दोनों भिन्नों के अंशों को जोड़ दो और उसमें हर का भाग दे, तीनों तीन को जोड़ा 6 है 2 का भाग दे कितना आ जाएगा 3, ये क्या है एलएचएस बाएं पक्ष। अब हम ले रहे हैं आरएचएस दाएं पक्ष,
आरएस। दायें पक्ष में क्या आंसर क्या आना चाहिए, तीन आना चाहिए, टू सेक स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90। अब यहां से टू इंटू मान किसका लिखना है, सेक 45 का मान, तो जो कोस 45 का मान होता है उसको क्या कर दो उल्टा, कोस 45 का मान 1/√2, तो सेक 45 का मान हो जाएगा √2 और √2 का होल स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर 90। कोसेक स्क्वायर 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, उसका उल्टा भी 1 होता है, तो कोस कोसेक 90 का मान 1 हो जाएगा और उसका होल स्क्वायर करना, तो 2√2 का स्क्वायर क्या होता है 2 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो 2 × 2 = 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3। और ये क्या आया था एलएचएस में, और ये क्या आ गया आंसर आरएचएस, तो हम क्या लिख देंगे एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर क्या होता है आरएचएस। प्रश्न क्या था, 4 साइन पे साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 tan 45 बराबर 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cosec स्क्वायर 90, और इसका हमें इसको हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, सिद्ध करने का प्रश्न होता है तो पहले हम क्या करते हैं एलएचएस को लेते हैं, बायें पक्ष को लेते हैं और उसमें मान लेते हैं, यहाँ साइन इस का मान रखा साइन 60 का cos 60 का tan 45 और इसको हमने करना आंसर क्या है 3। अब हमने दायें पक्ष को लिया आरएचएस को लिया 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cosec स्क्वायर 90, sec 45 का मान होता है √2, cosec 90 का मान होता है 1। अब इसको हमने हल किया आंसर क्या है 3, तो हम क्या लिख देंगे एलएचएस बराबर आरएचएस, बायें पक्ष बराबर दायें पक्ष। इसके बाद में क्वेश्चन संख्या 18 18 है, sec स्क्वायर 30 प्लस cosec स्क्वायर 45, sec स्क्वायर 30 प्लस cosec स्क्वायर 45, sec स्क्वायर 30 प्लस cosec स्क्वायर 45। इसके बाद में 2 cos 60, 2 cos 60 प्लस sin 90, साइन 90 प्लस टेन 45 बराबर 10। अब प्रश्न संख्या 18 सिद्ध कर रहे हो, प्रश्न 18 सिद्ध कीजिए कि सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 45 क्वेश्चन 2 कोस 60 प्लस साइन 90 प्लस टेन 45 बराबर। अब इसमें हमें क्या करना है, एलएचएस लेना है, बाएं पक्ष लेना है और इस पूरे बाएं पक्ष में साढ़े से मान रखने, तो आंसर क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए। अब एलएचएस सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 45 और साथ में 2 कोस 60 प्लस साइन 90 प्लस टेन 45। अब इसमें साढ़े से मान रखो सेक 30, सेक 30 का मान क्या आएगा कोस 30 का उल्टा, तो हो जाएगा सेक 30 का मान 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस कोसेक 45 साइन 45 का उल्टा √2 का स्क्वायर, 2 कोस 60, कोस 60 का मान होता है 1/ प्लस साइन 90 का मान 1 प्लस टेन 45 का मान 1। आगे 2/√3 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर होगा 3, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 × 1/2 तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहां पर क्या बचेगा 1, 1 प्लस ये 1 और 1 क्या हो जाएगा 2,
अब यहां से दो के बटाव में कोई संख्या लिखी हुई नहीं है, दो के बटाव में हम क्या लिखेंगे एक। अब इस तीन और एक का एलसीएम लेंगे, तीन तीन का भाग तीन में एक बार जाएगा, एक को चार से गुणा करेंगे, प्लस का चिन्ह, एक का भाग तीन में देंगे, तीन आएगा तीन को दो से गुणा करेंगे छह, सात में एक प्लस दो कितने हो जाएंगे तीन, एक इसमें। अब चार प्लस छह हो गया दस, दस बट्टा तीन इंटू तीन, इस तीन से तीन कैंसिल हो गया तो आंसर क्या है, ये क्या है आरएचएस आगे। हमने एलएचएस कॉल किया, एलएचएस कितना है दस, और आरएचएस भी कितना दिया दस, आरएचएस भी कितना दिया दस, तो क्या हो गया एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर क्या हो गया आरएचएस। हमने बाइन बॉक्स को लिया और बाइन बॉक्स को हल किया तो उत्तर किसके बराबर आना चाहिए, दाएं पक्ष के बराबर आना चाहिए, और दाएं पक्ष के बराबर ही आ गया। इसके बाद में प्रश्न संख्या है 20, प्रश्न संख्या 20 है, प्रश्न 20 है कोस स्क्वायर जीरो, कोस स्क्वायर जीरो माइनस टू कोट स्क्वायर तीस, माइनस टू कोट स्क्वायर तीस प्लस तीन कोसेक स्क्वायर नब्बे माइनस बराबर टू कोस का सेक स्क्वायर पैंतालीस माइनस टेन स्क्वायर सर। प्रश्न 20 से सिद्ध कीजिए कि कोस स्क्वायर 30 माइनस टू कोट स्क्वायर 30 प्लस तीन कोसेक स्क्वायर 90 बराबर दो कोसेक सेक स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 7। तो इसके अंदर दोनों पक्षों को अलग अलग, पहले हम लेंगे एलएचएस बाएं पक्ष, बाएं पक्ष लेंगे कोस स्क्वायर 0 माइनस का 2 कॉट स्क्वायर 30 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90। अब कोस 0, कोस 0 का मान होता है 1, 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉट 30, इसका मान कितना है कॉट 30, कॉट 30 का मान के लिए हम क्या लिखते हैं 10 60, कोट 30 का मान और 10 60 का मान बराबर होता है, 10 60 का मान होता है रूट 3, 10 60 का मान होता है रूट 3, तो ये हो जाएगा रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 10 कोस 1 90 का मान होता है 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 1 13। अब 1 और 3 जोड़ने पर क्या होगा 4 माइनस 6, 1 और 3 को जोड़ने पर 4, 4 माइनस 6 बराबर क्या आ गया माइनस का 2, ये क्या आ गया एलएचएस का, किसका मान आ गया एलएचएस। वापस देखते हैं एलएचएस में कोसेक स्क्वायर 0 माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90, कोस 0 का मान होता है 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 कोट 30, कोट 30 का मान होता है रूट 3, रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 कोसेक 90 का मान 1 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 इंटू रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, 1 2 इंटू 3 माइनस का 6 प्लस 1 और 3 को जोड़ेंगे 4 माइनस 6 माइनस का। अब हम ले रहे हैं आरएचएस दायां पक्ष, आरएचएस में है 2 कोस का सेक स्क्वायर 45 माइनस का टेन स्क्वायर 7। अब इसमें 2 कोस सेक स्क्वायर पैंतालीस, सेक पैंतालीस का मान होता है रूट
sec 45 का मान √2 का होल स्क्वायर माइनस tan 60, tan 60 का मान होता है √3, √3 का होल स्क्वायर। अब यस दो क्वेश्चन, √2 का स्क्वायर 2 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो 2 माइनस 3 हल करेंगे क्या जाएगा माइनस का 1, 2 को माइनस 1 से गुणा करेंगे क्या जाएगा माइनस का, ये क्या है RHS, LHS है यहाँ पर माइनस 2, LHS हमने निकाला माइनस, यहाँ पर हमने RHS निकाला वो भी क्या माइनस का 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा LHS बराबर RHS, ये हमें क्या करना था सिद्ध करना था। तो पहले हमने y बॉक्स को लिया, LHS को लिया, सारणी से मान रखे, मान आया माइनस का 2, उसके बाद में हम RHS को लेंगे और सारणी का मान रखेंगे और उसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 2, दोनों बराबर आ गए तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे LHS बराबर RHS। इसके बाद में प्रश्न संख्या 21, जिसमें हमने x का मान दिया, x का मान 30 डिग्री दिया हुआ है और प्रश्न में सिद्ध करने वाला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21 में दिया हुआ यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए कि, पहला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन एक है साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस और साइन 2x। अब 10 क्लास के लेवल में तो क्या इसमें आपको प्रश्न में दिया है यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए कि ये LHS और RHS दोनों बराबर है। अब 10 क्लास के लेवल में ये सीधा फॉर्मूला हमारे दिया नहीं, लेकिन जैसे ही हम 11 12 में जाते हैं तो उसमें सीधा फॉर्मूला sin 3 थीटा बराबर 3 sin थीटा माइनस 4 sin 2 थीटा, लेकिन यहां पर फॉर्मूला हमारे 10 क्लास के लेवल में है तो यहां से हम सीधे पहले LHS लेंगे, x का मान कितना दिया 30 डिग्री दिया, अब यहां पर हम LHS लेंगे, LHS में दिया हुआ है sin 3x, LHS में y पक्ष है sin 3x, अब x का मान हमें दिया 3, x का मान कितना दिया 30, तो यहां से sin 3 into 30 कितना हो गया 90, sin 90 का मान क्या होता है 1, तो LHS क्या है LHS आ गया यहां से 1। अब हम RHS का मान निकालते हैं, अब यहां पर जो RHS दिया था RHS 3 sin x, RHS से यहां पर 3 sin x माइनस 4 sin cube x, अब यहां से 3 इन x की जगह 30 रखते हैं यह हो जाएगा sin 30 माइनस 4 sin cube x, x की जगह 30 डिग्री रखते हैं तो हो जाएगा sin 30 का होल क्यूब, 3 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2 माइनस 4 इंटू साइन 30 का मान 1/2 का होल क्यूब, अब यहां से 3 इंटू 1/2 हो जाएगा 3/2 माइनस 4 इंटू 1/2 का होल क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब होता है 1 अपॉन 2 का क्यूब होता है 2 का क्यूब कितना होता है 8, अब इस 4 का भाग ले लिया 8 में देते हैं कितनी बार जाता है 2 बार जाता है, अब यहां से 3/2 माइनस 4 का भाग 8 में 2 बार है 1/2, अब यहां से सीधा उत्तर निकाल लो, कोई लघुत्तम लेने की आवश्यकता नहीं, 3/2 डेढ़ में से आधा माइनस करेंगे क्या जाएगा 3/2 हम किसको लिखते हैं डेढ़ को लिखते हैं, डेढ़ में से आधा माइनस कर दो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये क्या हो गया RHS। और पहले हमने LHS का मान निकाला कितना है 1, RHS का मान निकाला 1 आ गया, तो LHS बराबर क्या हो गया RHS, लेकिन जैसे ही हम क्लास में जाएंगे तो सीधा ये फॉर्मूला काम में लेंगे sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin cube x, सीधा फॉर्मूला ये काम में, अब इसका आगे का ऑप्शन लेते हैं चौथा ऑप्शन, ऑप्शन 4 है उसमें दे रखा है cos 3x, cos 3x बराबर 4 cos cube x, 4 cos cube x माइनस 3 cos x,
जो ये फॉर्मूला था ये साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला है ये 11th 12th में कॉस थ्री एक्स का फॉर्मूला काम में लिया जाता है। कॉस थ्री एक्स का फॉर्मूला होता है 4 cos3x - 3 cos6। लेकिन यहां पर हमें x का मान 30 डिग्री दे रखा है और इस प्रश्न को सिद्ध करने के लिए पूछा, तो यहां से एलएचएस में लेंगे cos 3x और x का मान कितना रखेंगे 30, तो यहां से cos 10 × 30 10 × 30 हो जाएगा 90। तो cos 90, cos 90 का मान क्या होता है 0, cos 90 का मान कितना आ गया 0, तो LHS तो क्या आ गया। अब हम RHS कॉल करते हैं राइट हैंड साइड, तो RHS बराबर 4 cos3x - 3 cos6, x का मान 30 डिग्री रख देते हैं, 4 × cos 30 cos 30 का होल क्यूब माइनस 3 cos 30। अब यहां से 4 cos 30, cos 30 का मान होता है √3/√3/2 का होल माइनस 3 cos 30 का मान हो जाएगा √3/2। अब यहां से ये 4, अब इसका हमें क्या करना है होल क्यूब करना, √3 का होल क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3, इसका मान हो गया 3√2 का होल क्यूब करेंगे माइनस, इनको गुणा किया 3√3/2। अब यहां से 4 का भाग 8 कितनी बार जाता है 2 बार जाता है। अब यहां से क्या है ऊपर बचा 3√3 बटाव में आ गया आगे माइनस 3√3/2। जब दोनों बिंदुओं के अंश समान होते हैं, दोनों बिंदु समान होते हैं और बीच में चिन्ह माइनस का होता है, दोनों को जोड़ने का क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और यदि दोनों बिंदुओं का एलसीएम लें तो एलसीएम दोनों के हर क्या समान, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 2 और ऊपर क्या आ जाएगा 3√3 - 3√3 क्या हो जाएगा 0। जब किसी भी बिंदु का अंश 0 हो जाता है तो उसका अंश भी क्या आएगा 0 आएगा। तो यह आरएचएस क्या है 0, आरएचएस क्या है 0 और LHS क्या है 0, तो LHS बराबर क्या हो RHS, तो ये प्रश्न क्या होगा सिद्ध हो गया। अब इसके बाद में विविध प्रश्न माला 6 अध्याय 6 में ये प्रश्न आओगे, इसमें हम ले रहे विविध प्रश्न माला, विविध प्रश्न माला 6। विविध प्रश्न माला 6 में इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 15 में सिद्ध करने वाला प्रश्न, उसमें प्रश्न दे रखा है 4 cos² sin² 30 4 cos² sin² 30 + cos 60 - 3 cos² 45 cos² 45 - sin² 90 = 15/4। प्रश्न सिद्ध कीजिए कि 4 cos²(sin²) 30 + cos 60 - 3 cos²(cos²) 45 - sin²(90) = 15/4। अब LHS, LHS हम लेंगे इसमें, LHS क्या है 4 cos²(sin²) 30 + cos 60 - 3 cos²(cos²) 45 - sin²(90). अब यहां से 4 cos(sin 30), तो इसके अंदर जो sin² 30 है यहां पर घात 4 है, sin की घात 4,
तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा साइन की घात चार। अब यहाँ से मान लो इसमें जो साइन स्क्वायर तीस लिखा था पहले वो साइन की घात कितनी चार, अब यहाँ पर साइन की घात चार तीस का मान, तो साइन तीस का मान होता है एक बटा दो की और घात हो गई चार, प्लस कॉस साठ, कॉस साठ का मान भी होता है एक बटा माइनस तीन कॉस, कॉस स्क्वायर पैंतालीस, कॉस पैंतालीस का मान होता है एक बटा रूट दो का होल स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर नब्बे, साइन नब्बे का मान एक का होल स्क्वायर। अब यहां से चार कॉस एक बटा चार की घात कितनी करनी चार, तो एक की घात चार करते हैं तो ये क्या आता है। अब नीचे दो की घात चार, दो की घात चार करेंगे तो उसका क्या दो को चार बार गुणा करना है, दो को चार बार गुणा करेंगे, दो को चार बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा सोलह, कितना हो जाएगा सोलह, क्योंकि दो को पहले हम दो, दो की घात चार, दो इंटू दो इंटू दो इंटू सीधा लिखो दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी सोलह, तो ये एक बटा सोलह प्लस एक बटा माइनस तीन, एक बटा रूट दो का होल स्क्वायर, एक बटा माइनस ए का होल स्क्वायर एक। अब यहां से चार प्रश्न, सोलह दो का एलसीएम लेंगे सोलह, दोनों का एलसीएम आएगा सोलह, सोलह का भाग सोलह में एक बार जाएगा, एक को एक से गुणा करेंगे, प्लस दो का भाग सोलह में आठ बार जाएगा, आठ को एक से गुणा करेंगे, माइनस तीन इन एक बटा दो में से माइनस का एक करना, आधा में से एक घटाएंगे तो क्या जाएगा माइनस का एक बटा दो। अब चार एक प्लस आठ नौ बटा सोलह, ये माइनस और माइनस गुणा होने पर हो जाएगा प्लस, तीन को एक से गुणा करेंगे तीन बटा नौ, चार का भाग सोलह, चार का भाग सोलह में जाएगा चार, बचा क्या नौ बटा दो प्लस तीन बटा, अब दोनों का यहां पर चार बचे, चार का भाग सोलह में गया चार, अब चार दो का एलसीएम लिया हमने क्या है चार, चार का भाग चार एक बार जाएगा, एक को हम नौ से गुणा करेंगे, एक को नौ से गुणा कर लेंगे प्लस दो का भाग चार दो बार जाएगा, दो को हम छह से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो को तीन से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा छह, नौ प्लस छह क्या हो गया पंद्रह बटा चार। हमने एलएचएस को लिया, एलएचएस को लिया और हल किया, क्या आ गया आरएचएस आ गया, तो हम क्या लिखते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस, प्रश्न क्या था पंद्रह, सिर्फ लीजिए कि चार कोस तक साइन की घात चार तीस प्लस कोस साठ माइनस तीन कोस तक कोस स्क्वायर पैंतालीस माइनस साइन स्क्वायर नब्बे बराबर पंद्रह बटा चार, तो हमने ये एलएचएस लिया बाय मक्स लिया और इसमें साइन तीस का मान का एक बटा दो की घात लिखी चार प्लस कोस साठ का मान का एक बटा दो माइनस तीन कोस स्क्वायर पैंतालीस का मान एक बटा दो का एक बटा रूट दो का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर साठ नब्बे है तो एक का होल स्क्वायर, और एक बटा दो की घात चार इसका मान होता है एक बटा सोलह प्लस एक बटा दो माइनस तीन कोस तक एक बटा रूट दो का होल स्क्वायर एक बटा एक का स्क्वायर एक। अब इन दोनों को लघुतम लेके हल किया क्या आ गया नौ बटा सोलह, अब इनको हल किया एक बटा दो में से माइनस एक किया माइनस एक दोनों माइनस गुणा हो के प्लस तीन इंटू एक बटा दो तीन बटा चार का भाग सोलह में जाए चार जाए नौ बटा चार प्लस तीन बटा चार और दो का एलसीएम आ जाएगा चार का भाग चार में जाए एक एक को नौ से गुणा करेंगे प्लस दो का भाग चार में जाएगा दो दो को तीन से गुणा करेंगे छह नौ प्लस छह हो गया पंद्रह पंद्रह बटा छह। तो हमने एलएचएस को लेकर हल किया क्या आ गया आरएचएस आ गया तो एलएचएस बराबर क्या हो जाएगा आरएचएस। इसके बाद में विविध प्रश्न माला का अगला प्रश्न ले रहे हैं प्रश्न संख्या सत्रह, प्रश्न संख्या सत्रह है सिद्ध कीजिए कि टू कोस तक, प्रश्न संख्या सत्रह सिद्ध कीजिए कि टू कोस तक कोस स्क्वायर पैंतालीस, टू कोस तक कोस स्क्वायर पैंतालीस प्लस टेन स्क्वायर साठ, टू कोस तक कोस स्क्वायर पैंतालीस प्लस टेन स्क्वायर साठ माइनस
कोस तक साइन स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर बराबर 6। अब इसमें मैं एलएचएस दे रखा है, एलएचएस में दे रखा है 2 कोस तक कॉस स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 7 माइनस 6 कोस तक साइन स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 30। अब यहां सबसे पहले मान रखें कोस 45, कोस 45 का मान 1 बटा रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर 7, टेन 7 का मान होता है रूट 10 का स्क्वायर माइनस 6 कोस का साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान होता है 1 बटा रूट 2 का माइनस 10 स्क्वायर 30, 10 30 का मान होता है 1 बटा रूट 3 का होल स्क्वायर। 2 कोस 1 बटा रूट 2 का होल स्क्वायर 1 बटा 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 6 कोस 1 बटा रूट 2 का होल स्क्वायर 1 बटा 2 माइनस 1 बटा रूट 3 का होल स्क्वायर 1 बटा 3 1 बटा 2 कोस। अब यहां पर भी आप बिना लघुत्तम लेके सीधा लिख सकते, कैसे 1 बटा 2 को क्या बोलते हैं, आधा प्लस 3 क्या होता है, 3 में आधा जोड़ेंगे 3.5, 3.5 को क्या लिखते हैं 7 बटा 2। और यदि हम लघुत्तम लेके हल करते हैं तो 3 के बटाव में क्या लिख देंगे 1, 2 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 2, 2 का भाग 2 में जाएगा 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे प्लस 1 का भाग 2 में जाएगा 2, 2 को हम 3 से गुणा करेंगे 6 माइनस 6 कोस 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा 2 का भाग 6 में करेंगे 3 बार 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 माइनस 3 का भाग 6 में जाएगा 2 बार 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 1 प्लस 6 7 7 बटा माइनस 6 3 माइनस 2 1 1 बटा 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल यहां पर बचा 7 माइनस 5 1 7 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 6। हमने एलएचएस को लेकर हल किया, आंसर क्या आ गया 6, यानी कि क्या आ गया आरएचएस, क्या आ गया आरएचएस, ये क्या है आरएचएस, तो हम क्या लिखेंगे एलएचएस बराबर क्या है आरएचएस, एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या होते बराबर होते। तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में पहले हम एलएचएस को लेकर हल करेंगे तो आरएचएस के बराबर आ जाएगा, और यदि आरएचएस वाले पद में भी कुछ मान दे रखे हैं और बराबर नहीं आ रहा है तो आरएचएस वाले को भी क्या करते हल करते तब जाकर एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या बराबर। अब दो और जो बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न वो बता रहा हूं, जैसे एग्जाम्पल था उसी प्रकार के दो प्रश्न है, जैसे एक प्रश्न तो है कि टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी बराबर रूट तीन, टेन ए प्लस बी बराबर रूट तीन और कॉट ए माइनस बी, कॉट ए माइनस बी बराबर रूट तीन, कॉट ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा रूट तीन। तो इसमें मान किसका ज्ञात करना है आपको, ए और बी का मान। एक प्रश्न ये हो गया जिसमें आपको क्या करना है ए और बी का मान। दूसरा प्रश्न साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर एक और टेन ए माइनस बी
टेन ए माइनस बी बराबर रूट तीन, उसमें भी हमें क्या करना है, ए और बी दोनों के मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम इसमें हम मान ज्ञात करें, तो इसमें हम ए और बी के मान ज्ञात करें। पहले हम लिख देते हैं टेन ए प्लस बी बराबर रूट तीन, टेन ए प्लस बी बराबर क्या दे रखा है, रूट तीन दे रखा। अब हमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टेन के अंदर रूट तीन किसका मान होता है, कितने डिग्री का मान होता है। तो हम देखते हैं टेन साठ का, टेन साठ का मान कितना होता है रूट तीन, तो हम क्या लिखेंगे टेन ए प्लस बी बराबर रूट तीन किसका मान होता है, टेन साठ का, दोनों तरफ से टेन कैंसिल, तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा साठ। इसको नाम दे देंगे समीकरण एक, समीकरण एक लिख दिया हमने टेन ए प्लस बी बराबर रूट थ्री। अब रूट थ्री का मान टेन के अंदर कितने डिग्री का होता है, देखते हैं साठ से रूट तीन है वो टेन साठ डिग्री का मान होता है, तो टेन ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा टेन साठ, दोनों तरफ से टेन कैंसिल हो जाएगा तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा साठ। अब दूसरा है कॉट ए माइनस बी बराबर रूट थ्री, कॉट ए माइनस बी बराबर रूट थ्री। अब कॉट के अंदर यदि हम देखते हैं टेन के अंदर तो रूट थ्री, रूट थ्री मान किसका था साठ, तो कोट के अंदर क्या होगा उल्टा होगा, कोट के अंदर मान क्या हो जाएगा उल्टा, तो कोट के अंदर रूट थ्री किसका मान होता है कोट तीस का, किसका मान होता है कोट तीस का, तो कोट ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा कोट तीस, कोट ए माइनस बी बराबर क्या होगा कोट तीस, दोनों तरफ से कोट कैंसिल तो ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा तीस। इसे हम क्या लेंगे समीकरण, अब हम क्या लेंगे समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, समीकरण एक प्लस दो से, समीकरण एक प्लस दो से दोनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे, ए प्लस बी बराबर साठ और ए माइनस बी बराबर, ए माइनस बी बराबर तीस, दोनों को हम जोड़ेंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, विपरीत चिन्ह, ए और ए क्या हो जाएगा टू, साठ प्लस तीस क्या होगा नब्बे, टू ए बराबर कितना आ गया, यदि यहां से हम ए का मान निकालते हैं दो गुणा में किसमें चला जाएगा बाद में नब्बे बटा दो, तो यहां से ए का मान कितना आ जाएगा पैंतालीस, यहां से ए का मान कितना आ जाएगा पैंतालीस, ए बराबर कितना आ गया पैंतालीस। अब हम क्या, अब हम ए का मान समीकरण ए या तो में से आपके जिसकी जिस समीकरण में रखने की इच्छा होती है उसी समीकरण में रख सकते हैं, बी का मान समान है। अब हम क्या लिखेंगे ए का मान समीकरण एक में, ए का मान समीकरण एक में रखने, ए का मान हम समीकरण एक में रखेंगे यहां, तो ए का मान कितना हो गया पैंतालीस प्लस बी बराबर साठ, अब यहां से बी बराबर साठ पैंतालीस उधर जाएगा माइनस का पैंतालीस, तो बी बराबर कितना आ जाएगा पंद्रह डिग्री, बी बराबर कितना आ जाएगा पंद्रह डिग्री, ए का मान तो कितना आ गया पैंतालीस डिग्री, बी का मान कितना आ गया पंद्रह डिग्री, ये दोनों मान हमें क्या करने थे ज्ञात करने थे, दोनों ए और बी के मान भी क्या है न्यूनतम, तो पैंतालीस और पंद्रह डिग्री दोनों क्या है न्यूनतम। यह तो प्रश्न था टेन ए प्लस बी बराबर रूट थ्री, कोट ए माइनस बी बराबर रूट थ्री। अब इसी प्रकार का एक प्रश्न और ले लेते हैं, वो है साइन ए प्लस बी बराबर वन, टेन ए माइनस बी बराबर रूट थ्री। ऐसे किसी भी प्रकार से मन से प्रश्न बना के उसको हल कर सकते हैं। अब यहां से साइन ए प्लस बी बराबर है वन, साइन ए प्लस बी बराबर, अब सीधा पता चल रहा है साइन के अंदर वन मान कितने डिग्री का होता है साइन नाइनटी का होता है, तो यहां से साइन ए प्लस बी बराबर हो जाएगा वन की जगह क्या लिख देंगे साइन नाइनटी, तो यहां से ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा नाइनटी, ए प्लस बी बराबर क्या होगा नाइनटी डिग्री, और इसको क्या नाम देंगे समीकरण एक। अब उसके बाद में टेन ए माइनस बी बराबर रूट थ्री, टेन ए माइनस बराबर रूट थ्री, अब टेन में बार बार प्रश्न आ गया तो सीधा याद हो गया, सोचने की आवश्यकता नहीं कि टेन ए माइनस बी बराबर रूट थ्री है, तो रूट थ्री का मान टेन में कितने डिग्री का होता है टेन सिक्सटी का होता है, तो यहां से टेन ए माइनस
बराबर रूट थ्री, तो टेन साठ, टेन साठ डिग्री, तो यहां से ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा साठ डिग्री, और उसे समीकरण नाम क्या देंगे, दो समीकरण प्राप्त हो गई, ए प्लस बी बराबर नब्बे डिग्री, ए माइनस बी बराबर साठ। अब हम क्या करते हैं, तरीका ये कि समीकरण ए प्लस दो से या समीकरण ए और दो को जोड़ने पर, समीकरण ए प्लस दो से, समीकरण ए प्लस दो से ए प्लस बी बराबर है 90 डिग्री, ए माइनस बी है 60, दोनों को जोड़ेंगे ये दोनों कैंसिल हो गए, ए प्लस ए हो गया 2a, 90 प्लस 60 हो गया 150। अब यहां से मैं एक का मान निकालना है, दो गुणा में भाग में जाएगा 150 बटा 2, तो यहां से एक का मान आ गया पीछे, ए का मान कितना है पीछे, ए का मान पीछे डिग्री आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए का मान समीकरण एक में रखने पर या इधर देखो, ए का मान किसमें रखेंगे, समीकरण एक, ए का मान समीकरण एक में रखेंगे, समीकरण एक में रख ले, ए का मान समीकरण एक में रख ले, एक में रख लीजिए, ए का मान आया 75 डिग्री, तो 75 प्लस बी बराबर हो जाएगा 90, 75 उधर जाएगा तो बी बराबर 90 माइनस 75, तो बी बराबर कितने डिग्री आ जाएगा 15 डिग्री, तो यहां से ए का मान कितना आ गया 75 डिग्री, बी का मान कितना आ गया 15, जो दोनों ही कोण क्या है न्यून कोण, तो ये दोनों प्रश्न थे जो किताब के अंदर न तो उदाहरण में न प्रश्नावली में दिए हुए, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, एक उदाहरण दिया हुआ इसी प्रकार का, दो ये अन्य क्वेश्चन हो गए। तो अध्याय 6 है त्रिकोणमितीय अनुपात, उसके उदाहरण प्रश्नावली और विविध प्रश्न माला, विविध प्रश्न माला पूरी होगी। अब हम कल से अध्याय 7 त्रिकोणमितीय सरसनिकाय शुरू करेंगे।